खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे टाटानगर रेलवे स्टेशन को हाईटेक स्टेशन बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं टाटानगर से सटे आदित्यपुर स्टेशन को भी हाईटेक बनाया जा रहा है। वैसे सभी ट्रेन अब आदित्यपुर से खुलेगी। आपको बता दें कि साउथ ईस्टर्न रेलवे की जनरल मैनेजर अर्चना जोशी स्टेशन पहुंची और टाटानगर स्टेशन मैप, पार्किंग, कोयल लॉबी सभी जगह का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद जनरल मैनेजर यहां से बादाम पहाड़, हल्दी पोखर और मणिकोई स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने टाटानगर पार्किंग शेड बनाए जाने की बात भी कही ताकि गाड़ी सुरक्षित रहे। एफओडी कंप्लीट किया जाएगा 31 जनवरी तक। हम कोशिश करेंगे, ये टारगेट दिया गया है कि ये एफओडी कंप्लीट कर जाए, जिससे आपकी सारे प्लेटफॉर्म के साथ एंट्री लिंक हो जाएगी। बाकी हम अपने सर्कुलेटिंग एरिया को इम्प्रूव करेंगे और उसमें जो जो सुविधाएं की जरूरत है वो देंगे। तो टाटानगर रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और टाटानगर से सटे आदित्यपुर स्टेशन को भी हाईटेक बनाया जा रहा है। वैसे सभी ट्रेन अब आदित्यपुर से खुलेगी। आपको बता दें कि साउथ ईस्टर्न रेलवे की जनरल मैनेजर अर्चना जोशी स्टेशन पहुंची। अधिक जानकारी के लिए जमशेदपुर से हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, देखा जाए तो एक अच्छी पहल, क्योंकि टाटानगर रेलवे स्टेशन को हाईटेक स्टेशन बनाए जाने की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो गई है। और इस बीच जो अर्चना जोशी हैं वो उन्होंने निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, निश्चित तौर पर ये टाटानगर रेलवे स्टेशन और आदित्यपुर रेलवे स्टेशन, ये दोनों स्टेशन को हाईटेक बनाया जाएगा। हालांकि जो गाड़ियां हैं वो आदित्यपुर से अब खुलेंगी, जो टाटानगर से खुलती थी गाड़ी वो अब आदित्यपुर से खुलेगी, लेकिन टाटानगर में ठहराव होगा। और वहीं दोनों स्टेशन को हाईटेक बनाया जा रहा है। जैसे महाराष्ट्र के तट में मुंबई में जिस तरह का स्टेशन है कि आप यात्री जो है कि अगर सड़क से सीधे स्टेशन की तरफ पहुंचा तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएगा। टिकट भी जो होगा, हर गेट पे टिकट कटेगा, हर गाड़ी का डिस्प्ले चलता रहेगा कि यहाँ पर पुराने गाड़ी अभी आने वाली है उसकी टिकट आपको मिलेगी, तो पूरा हाईटेक होगा। हालांकि जो जीएम पहुंची है, जीएम ने निरीक्षण किया है, कई खामियां पाई। हालांकि सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो पार्किंग है, पार्किंग में शेड होना चाहिए, क्योंकि शेड होगा तो जो गाड़ियां रहती हैं वो गाड़ी बची रहेगी। हालांकि उसका पैसा जो है पार्किंग का थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन शेड में गाड़ी रहेगी। वहीं आदित्यपुर में जो बनाया जा रहा है स्टेशन, उस स्टेशन में कैसे यात्री का विश्राम हो, यात्री विश्राम के साथ एक बड़ा सा थ्री स्टार होटल कैसे खुले स्टेशन में, उसकी भी प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल मनोज, जिस प्रकार से भी आपने ये कहा कि निरीक्षण के दौरान काफी खामियां पाई गई जिसका उन्होंने चर्चाएं की, आखिर इन खामियों को दूर करने के लिए किस तरह की तैयारी और क्या कुछ प्रक्रियाएं देखने को मिल रही। जी, निश्चित तौर पर जो खामियां थी कि स्टेशन परिसर में घुसने के बाद स्टेशन में साफ सफाई तो था, लेकिन प्लेटफॉर्म के नीचे जहाँ ट्रेन रुकती है वो काफी गंदा था, जिसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाया, स्टेशन मास्टर को भी कई निर्देश दिए। साथ ही जो स्टेशन और आसपास के लोग ने जो दिन रात जो वो लोग मांग कर अपना जीवन यापन करते हैं वो लोग वैसे ही बैठे रहते, तो उन लोगों की व्यवस्था कर दिया जाए रेलवे की तरफ से, ताकि ये बरसात का समय हो या ठंड का समय हो उस समय वहां पर वो लोग रहे, ताकि स्टेशन की सुंदरता है वो बनी रहे। लेकिन रोज कमाकर खाने वाले लोग जो सड़क पे सोते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, टाटानगर स्टेशन के आसपास लगभग 300 से ज्यादा है, तो उससे जो इसकी सुंदरता जो है बिगड़ रही थी, तो इन सभी मुद्दों पर ध्यान आकृष्ट कराया गया है। जी चलिए, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मनोज।